नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। राहुल रामुगड़े, अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हु गॉट पोलियो एट अ यंग एज but is still following his love for sports. An Indian wheelchair cricket player and the captain of Maharashtra wheelchair cricket team, a national para swimmer and a scuba diver. He has played many tournaments across India and abroad. As an Indian wheelchair cricket player and as the captain of Maharashtra team, he has won many matches and has been awarded with many prestigious awards. As a para swimmer, he has participated in competitive tournaments and travelled all over Maharashtra since 2015. Till now, Rahul has won 8 gold, 1 silver and 5 bronze medals in Maharashtra state para swimming competitions. So, let's meet Rahul Ramugade. Maharashtra wheelchair cricket team ke kaptan Rahul Ramugade aaj hamare saath hai. Rahul, welcome. इस स्पोर्ट्स के फील्ड में पिछले कितने सालों से है? मैं 2015 से स्विमिंग कर रहा हूँ और क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट जो है वो 2017 से खेल रहा हूँ। अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स जो है वो पहले से आपका साथी रहा है या कैसी उसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत स्कूल में ही हुई। मैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्कूल होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के, वो स्कूल में था तो वहाँ बचपन से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्विमिंग के लिए लिया लेके जाते थे एज अ एक्सरसाइज करके। तो तब ऐसे लगता था कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लगा था? यस, मुझे पहले बच्चे थे तो काफ़ी डर लगता था, तो स्कूल से वो कंपलसरी लेके जाते थे सबको, तो बेंच के पीछे चुप जाना, टॉयलेट में चुप जाना, तो वैसे करते थे। बट एक बार पूल में जब भी उतरने लगे कुछ मज़ा आने लगा, क्योंकि पूल में हमारी बॉडी जो है काफ़ी फ्री हो जाती है। जैसे हम नॉर्मली व्हीलचेयर पर रहते हैं तो काफ़ी लिमिटेड मूवमेंट रहती है लैंड पर, पर पानी में वैसे नहीं है, हम अंदर जा सकते हैं, टाइल्स को टच कर सकते हैं, तो मज़े कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो उसके वजह से फिर मज़ा आने लगा और फिर जब भी पता चला कि फिटनेस भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और जब 2015 से प्रोफेशनली खेलना चालू किया तो मेडल्स भी जीतने लगा तो और अच्छा लगेगा, तो कंटिन्यू किए जा रहा उसमें। कितने मेडल मिले हैं आज तक स्विमिंग में? स्विमिंग में अब तक स्टेट लेवल पर 14 मेडल जीत चुका हूँ मुंबई को रिप्रेजेंट करते हुए, और नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ बट मेडल नहीं जीता। अच्छा, बचपन में जब पता चला कि आपको जो डिसेबिलिटी है तो तब आपके माता पिता ने आपके प्रति कैसे बर्ताव किया, आपको कैसे शिक्षा दी? नॉर्मल स्कूल में आप जाते थे या किस तरह का था? जो जब भी उनको पता चला कि पोलियो हुआ है, 1.5 साल तक नॉर्मल था, बुखार में डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, थोड़ा डॉक्टर का भी निगलेंस हो गया, इसके वजह से वो हुआ, तो उन्होंने स्टार्टिंग ट्राई किया कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो सकूँ। तो जनरली जिनको पोलियो हो जाता है उनके पैर थोड़े वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, बट मेरे वो हो ना, इसके लिए एक ड्रम उन्होंने खरीदा। अच्छा। उसमें रेत डाला करते थे और उसमें मुझे 2-3 घंटा स्ट्रेट खड़ा किया जाता था, तो हाँ। उसके वजह से मेरे पैर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, भले उनमें जान नहीं है, बट वो मेहनत उन्होंने तब से किया। और जैसे बड़ा हुआ 5 साल का, तो उन्हें एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एक स्पेशल हम लोग का स्कूल होता है SSC डे स्कूल करके, तो उसमें डाला गया। तो फिर वो हम जैसे बच्चों के लिए था, तो 4th तक मैं वो स्कूल में था, सो वहाँ स्टडी से ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट कैसे बने, मतलब व्हीलचेयर पे कैसे बैठा जाए, ट्रैवलिंग कैसे जाए, उस पर फोकस था, तो वो स्कूल में था। उसके बाद फिर 5th to 10th मैंने एबल बॉडी जो रहता है, अभी लोग नॉर्मल बोलते हैं, मैं एबल बॉडी बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मल तो हम सब है, तो उनको मैं एबल बॉडी बोलता हूँ, और हमको हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो चीज़ें डिफरेंटली एबल करते हैं, सो मैं वो कॉल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वैसे एबल बॉडी स्कूल में मैंने मेरा 10th तक एजुकेशन पूरा किया, और बाद में कॉलेज भी नॉर्मल लोगों का जो होता है उसमें ही करके एजुकेशन कंप्लीट किया। बिल्कुल, स्विमिंग तो आप करते थे,
पर ये क्रिकेट का चस्का कब लगा? ओके, तो स्विमिंग क्रिकेट एक्चुअली बचपन से खेलता था, मुझे तभी पता नहीं था कि व्हीलचेयर पे क्रिकेट होता है। सो ये क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट की शुरुआत ही 2016 में हुई और मुझे पता 2017 में चला। यही स्पोर्ट्स, तो एक साल में ही आपको पता चल गया। स्पोर्ट्स कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट बढ़ने के बाद, ऑल इंडिया लोग नेशनल खेलने के बाद पता चला कि इतने सारे लोग खेल रहा हो, तब से मैं 2017 से खेल रहा हूँ। इंडियन टीम, व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा हूँ। नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ मैच खेल सका हूँ। नेपाल में जाके हम लोग एशिया कप खेले जिसमें पाकिस्तान को हमने हराया था, और महाराष्ट्र टीम को भी 2018 से महाराष्ट्र टीम फॉर्म की गई, और तब से अलग अलग स्टेट, 10 तो स्टेट हो गए रहेंगे कि हम घूम के खेले, और काफ़ी जगह चैंपियन और रनर अप रहे। हर स्टेट का अनुभव कैसा था? हर एक मैच का एक अलग अनुभव होता है, वो कैसा था? हमने कोल्हापुर में बांग्लादेश के साथ मैच किया था, लास्ट ओवर तक वो मैच गया था, लास्ट ओवर में हमने को बचाने थे 16 रन और हमारे बॉलरों ने बचा लिए, तो वहाँ बहुत क्राउड एक्साइटेड हो गया और उन्होंने हमारे सारे व्हीलचेयर प्लेयर को अपने कंधे पे उठा लिया। तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि ये जो खेल लोगों को पता नहीं, इसलिए क्राउड ज़्यादा आता नहीं है। जैसे अभी इंडिया का मैच हो वानखेड़े में तो 30,000 पब्लिक ऐसे बैठे बैठे आ जाते, हमारे में 30-40 जन भी नहीं आते। तो यही हमारा है कि प्रमोशन करते रहे, लोगों तक पहुँचाए। सो जब भी हमारा क्रिकेट मैच होता है तो हमने एक इन्विटेशन के लिए एक फ्रेज बनाया लोगों के लिए, जस्ट डोंट कम एंड सी अवर डिसेबिलिटी, ज्वाइन हैंड्स एंड सेलिब्रेट अवर एबिलिटीज। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा आपकी, आपके माध्यम से, कि कहीं भी हमारे देश में, सिटी में आपके मैच हो तो आप ज़रूर आइए। हमारा फेसबुक पे पेज है व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, उसको फॉलो कीजिए, उसको आपके सब डिटेल मिल जाएगी। मेरा यही कहना है कि अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, बट एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और जब तक वो नहीं आता तो आप एज अ करियर एक नहीं ले सकते। अभी मेरी, मेरा जनरेशन है कि आगे वाले जनरेशन जो हो वो नहीं ले सकते, तो उसके लिए मैं एक आह्वान करना चाहूँगा BCCI और इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप आगे आइए और उस इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। मैंने जब स्टार्ट किया 2016 में तो 50-60 पूरे इंडिया में लोग खेलते थे, और अभी हर एक स्टेट की टीम है और अराउंड 500 बच्चे ऑल ओवर इंडिया ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो ये ग्रो हो रहा है विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर सपोर्ट मिल जाए तो और जैसी। और ये मैं कहना क्यों चाहूँगा, क्योंकि जैसे ओलंपिक का मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2016 रियो ओलंपिक्स में हमारे एबल बॉडी एथलीट ने 2 मेडल लाए थे, और उसी नेक्स्ट मंथ में पैरा ओलंपिक हुआ था, वहाँ हमारे पैरा एथलीट ने 4 मेडल लेके आए। सो मेरा ये है कि प्रॉपर सपोर्ट फैसिलिटीज अगर प्रॉपर मिले हम जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो भी देश के लिए मेडल जीत सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सुना है कुछ YZ अवार्ड मिला है तुम्हें, ये YZ क्या है? सो ये एक्चुअली एक मराठी फिल्म थी, उनका प्रमोशन था, तो वो जो कुछ अलग कर रहे हैं लाइफ में तो उनके लिए इंटरव्यू भिजवाया था। तो मेरे फ्रेंड है क्षितिज पटवर्धन, वो राइटर है उस मूवी के, तो उन्हें पता चला मैं ऐसा सब कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली मूवी का और थिएटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, भले वो एक्सेसिबल नहीं रहते पर मैं पहुँच जाता हूँ मेरे अलग अलग तरीके से। तो उसी को एक अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था, मेरे स्विमिंग स्किल और लव टूवर्ड्स मराठी सिनेमा के लिए। और काफ़ी लोगों ने वैसे अप्रिशिएट किया, तो काफ़ी जैसे मिति फाउंडेशन है ना, उन्होंने गगनाला पंख नवे करके उनका अवार्ड रहता है, वो भी काफ़ी अवार्ड था। और वो अवार्ड की खासियत है उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, मैंने तभी उनको भी बोला था कि ये ज़रूरी है जी, अप्रिसिएशन तो है बट एक खड़ा करना, इंडिपेंडेंट आप बोल रहे हो एक पर्सन भी डिसेबल करना, तो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरत है। और मुंबई मेयर जो है अपने, उन्होंने भी अवार्ड किया था क्रिकेट और इसके लिए, तो ऐसे छोटे मोटे अवार्ड मिलते हैं, बट आई टेक इट एज मोटिवेशन आगे। बिल्कुल, और ये मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, और आपको भी मिलना चाहिए और बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिव्यांग चेतना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं कि जहाँ पर सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिले। तो आज इस माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को वही कि आप थोड़ा नज़रिया बदले, अगर वो कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उनको इनकरेज कीजिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड में हम लोग को जाना है, हमें वो एक्सप्लोर करना है, उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, वो सोसाइटी में थोड़ा बहुत डेवलप होना चाहिए। और एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पहुँचे, वो करके बताए, उसके बाद बात करें। और एक चीज़ कहना चाहूँगा एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, क्यों हम पहुँच नहीं पाते, क्योंकि चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती, और इसकी शुरुआत मैंने मेरे घर से की है। अच्छा। सो मैं 2017 में व्हीलचेयर यूज़ करना चालू किया, और मेरे को तभी रियलाइज़ हुआ है कि मेरे घर के बाहर तो 3 स्टेप है, तो मैं खुद व्हीलचेयर लेके बाहर ही नहीं जा सकता, मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो मैं LIC क्वार्टर्स में रहता हूँ, तो वहाँ मैंने लेटर डाला और 3 महीने में एक प्रॉपर रैम्प बन गया उधर। तो उससे हुआ क्या, मेरे घर पर गणपति बप्पा आते हैं 10 दिन के लिए। 2017 के पहले सिर्फ 2 या 3 व्हीलचेयर यूज़र मेरे फ्रेंड आते थे घर पर, और 2018 में रैम्प बनने के बाद 15 से 20 जन आए। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर आप एक्सेसिबिलिटी या रैंप वगैरह बनाओ तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं।
क्योंकि ये होता है रेस्टोरेंट्स, बाद में मूवी थिएटर्स, कि वहाँ जब भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ सर रैम नहीं है तो हम कैसे जाएंगे, तो उनका आंसर आता है तुम लोग किधर आते हो तो हम क्यों बनाएं, तो उनको मेरा वही मैसेज है आप बनाओ हम लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और इसी सिंपल सी बात को अगर हम जमाने को बताएंगे तभी जाके उसमें बदलाव जो है वो बिल्कुल आएगा। और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाना यही शायद राहुल की खासियत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सही मायने में चेतना जो है वो हमारे मन में जगेगी। राहुल थैंक यू सो मच। मैं सारी चीजें उनको बताता हूँ तो उनको सब पता है एक्चुअली। मेरे फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, अगर वो नहीं रहेगा तो डर लगता है। यस मेरी मम्मी मदर। मेरी बाइक, मेरी फैमिली और मेरा क्रिकेट के लिए पैशन। पैशन, प्रमोशन, अनकंडीशनल लव, स्कूबा डाइविंग, आई वुड से मनी, लाइफलाइन, स्पोर्ट्स, राइडिंग, not liking the word